दोस्तों ओम जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल स्माइल फैमिलीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों बात करें मकर संक्रांति के बारे में तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और तब तक वो बाण शैया पर ही लेटे रहे, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए इस दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था, और फिर भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि इस बार मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो आज के वीडियो में आप जान लेंगे कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय क्या होगा, महापुण्यकाल का समय क्या होगा, और मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का किस प्रकार से दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन की पूजा विधि क्या होती है, सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों अब बात करें सबसे पहले कि मकर संक्रांति है कब। देखिए जब भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 जनवरी को प्रातःकाल 2:54 पर। ऐसे में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। आप बात करें कि आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए आज के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। हर मास समाप्त होता है तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद कहा जाता है कि गंगा स्नान आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो अब देखिए गंगा स्नान तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब लोग गंगा में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि उत्तरायण का दिन होता है तो कहा जाता है कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रयास कीजिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति की तिथि समर्पित होती है भगवान सूर्य देव को, इसलिए भगवान सूर्य देव के प्रिय रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, और भगवान सूर्य देव की विधि विधान से आज के दिन पूजा करनी चाहिए। देखिए भगवान सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक होते हैं हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। दोस्तों जन्म कुंडली में राजा का स्थान मिला है भगवान सूर्य देव को, तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर है या फिर चाहते हैं कि समाज में परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है या फिर आत्मविश्वास की कमी है,
कई बार क्या होता है कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं ठीक तरह से, तो इसलिए आवश्यक है कि भगवान सूर्य देव की पूजा करें। अब भगवान सूर्य देव को आज के दिन जल में आपको थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा रोली, हल्दी, अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। और हां, अर्घ्य के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र जरूर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास लाल फूल हो तो जल में आप थोड़ा लाल फूल भी डाल सकते हैं, नहीं तो रोली डालकर भी और थोड़े से काले तिल डालकर भी भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव की चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहे तो सुन भी सकते हैं अगर पराच नहीं पाते हैं तो, नहीं तो अगर आज के दिन आप भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से भी इन मंत्रों के द्वारा भी भगवान सूर्य देव को आप अर्घ्य दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान श्री देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके बाद भगवान को गुड़ का भोग लगा दीजिए और उनकी आरती कर लीजिए, और भगवान सूर्य देव को जो आप भोग लगाएंगे गुड़ का, वो प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे यहां से सूर्य दिखाई ही नहीं देते हैं, तो फिर हम क्या करें? देखिए, आप भगवान सूर्य देव का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाई देते हैं बहुत अच्छी बात है, अपनी छत पर या बालकनी पर खड़े होकर और उनको अर्घ्य दे दीजिए, या फिर अपने घर में भी भगवान सूर्य देव का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। मंत्र जप तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी होता है मकर संक्रांति के दिन दान करना, तो आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, आज के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, मतलब दाल चावल मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान आज किया जाता है, काले तिल का दान किया जाता है, इसके साथ ही घी का दान करना चाहिए। आज शुद्ध घी का दान करने से भगवान सूर्य देव की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अभी जैसे कि सर्दियां हैं तो आप गर्म वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। दान किसे दें? देखिए, दान आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मतलब देना ही है ब्राह्मण को। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप चाहें तो जैसे कि किसी भी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, जिनके यहां भी खाने पीने की दिक्कत होती है, उन्हें आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को। ओके, तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए, कुछ चीजें ब्राह्मण को दान कीजिए और कुछ चीजें आप किसी गरीब जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर और इसी का भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण किया जाता है, तो आज खिचड़ी खाना आवश्यक माना जाता है। वैसे देखिए, हर जगह की परंपरा थोड़ी बहुत अलग होती है, हर जगह इस त्योहार को मनाया जाता है लेकिन थोड़े अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति रिवाज के साथ। तो जिस प्रकार से आपके यहां होता है, आपको उसी प्रकार से मकर संक्रांति मनानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करें कि आज के दिन पुण्यकाल का समय क्या रहेगा और महापुण्यकाल का समय क्या रहेगा। तो देखिए, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 15 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से शाम को 6:21 तक पुण्यकाल का समय रहेगा। अब पुण्यकाल में आपको क्या क्या करना है? देखिए, पुण्यकाल के समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी शुभ कर्म इस समय में आप करते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अब एक समय होता है जिसे महापुण्यकाल कहा जाता है, मतलब इसमें जो फल आपको प्राप्त होगा वो कई गुना होकर प्राप्त होगा। पुण्यकाल तो पूरे दिन रहने वाला है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन महापुण्यकाल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में जो भी आप दान करते हैं उसका महापुण्य आपको प्राप्त होता है, बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, तो वो समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 से।
प्रातःकाल 9:06 तक, तो ये सुबह सुबह का समय है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए। अब देखिए, स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। लेकिन दान या फिर मंत्र जप इत्यादि या भगवान सूर्य देव की जो आप पूजा करेंगे, वो आप 7:15 से सुबह 9:06 तक जरूर कर लीजिए। ये महापुण्य काल का समय है, तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में प्रकाश की वृद्धि हो और आप हर प्रकार के कार्यों में सफलता को प्राप्त करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करने मात्र से भी आपको जो भी मनोकामना है पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि काला तिल मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी का काले तिल परिवार के सिर से 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें, इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं पितृ, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके बारे में। दोस्तों, अगर पितरों को प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धनवान हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। दोस्तों, आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी हर मनोकामना 100% पूरी होगी। अगर आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है और आमदनी कम हो रही है तो आप मकर संक्रांति के दिन देसी घी का एक आसान उपाय आजमाएं। इसके लिए माता लक्ष्मी के सामने मकर संक्रांति की शाम को घी का 4 मुखी दिया प्रज्वलित करके रखना है और माता से धन लाभ की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को कम से कम मकर संक्रांति से 7 दिन तक आजमाएं। आपके घर में होने वाली व्यर्थ की धन हानि से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। यदि आप इसके साथ मकर संक्रांति को घर के मुख्य द्वार के दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएंगी तो आपके लिए धन के योग बनेंगे। यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर आना है। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तेल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी का इसमें आवास होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जिसे ये जानकारी नहीं होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करने मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। आपको वह उपाय भी बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है और झाड़ू लगाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे उस सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। दोस्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा, जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। दोस्तों,
पति पत्नी के झगड़ों को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर यह खास उपाय अवश्य करें। आप घी का एक सरल उपाय कर सकती हैं। आपके घर में जिस स्थान पर भी बर्तन धोए जाते हैं वहां मकर संक्रांति के दिन घी का दीपक जलाकर रख दें। इस उपाय से आपके घर में कलह क्लेश नहीं होंगे और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस उपाय से पति पत्नी के बीच के झगड़ों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर आपकी उन्नति रुकी हुई है तो मकर संक्रांति के दिन गाय को घी और गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। इस उपाय से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलने के योग्य बनेंगे। दोस्तों, धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आपको एक उपाय के बारे में जानकारी देंगे जिसको मकर संक्रांति पर अवश्य करना चाहिए से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान टोटके। आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे मकर संक्रांति के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। हनुमान जी के साइड में रखें या पास में रखे चरणों में ना रखें। विशेष करके ध्यान रखें, धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रत्येक मकर संक्रांति को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे। दोस्तों, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी कृपा मिलती है जिसके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत बड़े बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों, यदि आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, आप जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट मकर संक्रांति के दिन करना होगा और इन उपायों को करने के पश्चात आप जीवन में खुद एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने का मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। मकर संक्रांति के पश्चात आप खुद के आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। आपको मकर संक्रांति के दिन नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपये का मिल जाता है।
तो गंगा जल डालने के पश्चात उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाता है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की भेली डाल दे। अब आपको अपने घर की छत पर जाकर अब आपको यह पानी जो है जिसमें आपने कुमकुम चावल है यह आपको भगवान सूर्य देव जी को चढ़ाना है। जब सूर्य देव को आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा इतनी देर आपको सूर्य देव का मंत्र का जाप करना है। ये उपाय आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। आप मकर संक्रांति के अगले दिन से ही आपके जीवन में चमत्कार देखोगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह मकर संक्रांति का उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय होता है। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना देखिए, आपको मकर संक्रांति पर आपको यह उपाय करना है जो हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको मकर संक्रांति के दिन, सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहें तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम जैसी आपकी थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के पश्चात सूर्य देव जी की कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वह बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नौकरी नहीं लग रही है और आप जॉब करने से परेशान है तो आपको यह उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बाधाओं से मुक्ति का उपाय है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की भेली रख कर के अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाले दोष बाधाएं होती हैं वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आप मकर संक्रांति पर यह उपाय करने चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा वास का होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसी ही हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह हैं। तो यदि आप लोग मकर संक्रांति के दिन अपने घर पर 11 रोटी बनवाकर के उस पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के देवी मां लक्ष्मी माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन
क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य देव जी का दिन होता है। इस दिन यदि लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल हो गया, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को, जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं, उनको दान कर दें। दही, चूड़ा, काली उड़द और तिल का दान करें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही, वह फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां दिक्कत है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि जॉब और कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, तो मकर संक्रांति के दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से आपको खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके मकर संक्रांति के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो व्यक्ति बनाएं, काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए मकर संक्रांति के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन तांबा, गुड़, तिल, उड़द की दाल, गेहूं, मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। सरकार में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं, तो भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों।